ये है हमारा गांव रानी गांव। ये है माजा। रानी गांव जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये माता जी के मंदिर के पास हम खड़े हैं। इधर गांव दिखाई दे रहा है पूरा, ये एरिया, शहर, नदी, ये हमारे गांव का नज़ारा। उधर जो व्हाइट कलर बीच में दो पेड़ों के बीच के अंदर का ये जो रास्ता है, पूरी नदी कहलाती है। बारिश के मौसम में ये नदी आती है और नदी बाढ़ बन इसमें जाती है। जैसे अरे ये किधर जा रहा है? ये व्हाइट टंकी है, इसके जस्ट पीछे की तरफ हमारा मकान है और इधर ये पहाड़ी एरिया। ये है अक्षिता, अक्षिता भोलावत, और इधर है विरंचित्रा भोलावत ज्योति, इधर है स्वागत स्वागत भोलावत, इधर है कुलदीप लक्ष्मण और सिंह राम। हम आए हैं माता जी का मंदिर, जो ये है इसके दर्शन करने के लिए। अंदर जो माता जी का मंदिर है, दर्शन लाभ आप देख सकते हैं। ये माता जी का मंदिर है और माता जी विराजमान है, बहुत ही अच्छा। इधर ये भवन वगैरह बने हैं और माता जी का जो मंदिर है, नया मंदिर जो बना है वो इधर है। नया मंदिर इधर है, माता जी का जो मंदिर है ये नया मंदिर है अभी पूरा। ये गांव नहीं, अभी नहीं जाना इधर से। ये सीढ़ियाँ यहाँ तक आती है, पूरी सीढ़ियाँ जो है ये कोई भी आ सकता है इधर से। ये पूरा गांव बसा हुआ है रानी गांव। लास्ट में वो टंकी के पास हमारा घर, बिल्कुल टंकी के, वही टंकी के पास वो रहा। मम्मी का मम्मी वो है ना इतना वो बड़ा। यार ए बटिया में बताओ के पड़ी हुई वो है ना, ओ तो मोटा घर ठीक है वो नो जालम का कुरु गोन उन पाड़े मतलब गो मोटो गए उन पाड़े छोटो डो जालम का कुरु गए उन पाड़े याद कहूँ है इन्हु थोड़ो को उन इस साइड देखो वो वहाँ सबसे छोटी सी टंकी दिखे। हाँ जड़े खंबो लागे ठेट उन साइड पूरा नजारा रानी गांव का। हाँ थोड़ो सो इन साइड रानी गांव देखियो बाड़मेर धोरो जाड़ा उधर नहीं, उधर नहीं। ने उन लाली साइड है वो छोटी से एकदम की उन पर उन थोड़ा सा इधर देख, थोड़ा सा इधर देख वो रिया पन्ना पट्टा वो आ रही है, वो आ रही है। एक वाइट तो बड़ा घर है उन वाले छोटा घर, उन वाले वो टंकी जी के छोटी सी को दे के थी उन वाले आपको आता है देखिए पापा जी। हां हां ये गंदे इधर बंद है वो अबे रुकने के लिए स्थान है।